Hi, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 2.8 cm, BC is equal to 3.1 cm, CD is equal to 2.6 cm and DVA is equal to 3.3 cm. Angle A is also given, it is 60 degree. तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स में जिसमें कि फोर साइड्स दिया रहता है और एक एंगल भी दिया रहता है, सबसे पहले जो ये एंगल दिया रहता है इसके इससे जो अटैच्ड साइड्स होते हैं मींस ये ए डी एंड ए बी, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन करना। मींस पहले आप ए बी ड्रा करेंगे या फिर ए डी ड्रा करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ए बी से, ठीक है। चलिए पहले 2.8 सेंटीमीटर का ए बी लेंथ लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ओके, तो हमने एग्जैक्ट ए बी लेंथ 2.8 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग कंपास। आप बिना कंपास का भी बना सकते हैं आप चाहें तो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी लेंथ जो है, ए बी लेंथ इस साइड में है, तो हम इधर सबसे ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो स्केल है उसका यूज करेंगे। तो 60 डिग्री देखेंगे कहाँ पर है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपका यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ से ए पॉइंट और ये जो पॉइंट हमने लिया है 60 डिग्री के डायरेक्शन में, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। और ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं 3.3 सेंटीमीटर। चलिए ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो हमने उसी पॉइंट डायरेक्शन में 3.3 सेंटीमीटर का लेंथ लाइन सेगमेंट जो है ड्रा कर लिया है। और ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये वो आपका डी है और इसका लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो है आपका 3.3 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। अब ये जो पॉइंट बी है उसको सेंटर मान करके और रेडियस लेकर के 3.1 सेंटीमीटर एक आर खींचेंगे और दूसरा आर खींचेंगे डी पॉइंट से 2.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर जिसका जो पॉइंट होगा सी। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है और ये पॉइंट आपका है सी। सी डी एंड सी बी को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हमने फाइनली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। यदि आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो है आपको वीडियो मिल सकता है जब मैं अपलोड करूँगा। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।